हाय फ्रेंड, एमके एडिटिंग में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ टपके। तो आज की वीडियो में गाइस बात करने वाले हैं कि स्नैपशीट से फोटो क्रिएटिव कैसे करते हैं। तो देखते रहिए स्टेप बाई स्टेप फुल हिंदी ट्यूटोरियल। तो वीडियो को गाइस शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो इसमें खोलता हूं स्नैपशीट। अगर ये आपके फोन में नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको मारना है प्लस पर। मैं यहाँ से गाइस एक फ़ोटो लेता हूँ, मैं गाइस ले लेता हूँ ये वाली फ़ोटो। इस फोटो को लेने के बाद गाइस आपको टूल्स पर जाना है। टूल्स पर जाने के बाद तुम्हें सिंपली ऐसा कुछ नहीं करना है, डबल एक्स पर मारना है और यहाँ से गाइस कुछ नहीं करना है, प्लस वाले पर क्लिक कर देना है आपको। और यहाँ से मैं PNG लेता हूँ। अगर ये PNG आपको नहीं फॉर्म नहीं है तो गूगल पर आप डाउनलोड कर सकते हैं डार्क। अब से गाइस कर देना ओके। ओके कर देने के बाद गाइस आपको मारना टूल्स पर। टूल्स पर जाने के बाद गाइस आपको टूल इमेज पर मारना और इसकी सॉल्यूशन को ब्लैक एंड व्हाइट कर देना है इस तरह से। हमने इसे जांच करता हूँ ओके। ओके करने के बाद गाइस आपको टूल आपको मारना इस बार या कैल पर और इसे कर देना व्यूज एडिट और टूल इमेज मार। क्लिक करने के बाद आपको इस वाली ये डॉट दिख रही ना, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करना आपको और इसे करना जूम इस तरह से। आपको बैकग्राउंड रेज करना आपको इस तरह से। तो गाइस देखते रहिए फुल हिंदी ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस इसे मैं कर देता हूँ क्लिक ओके। ओके करने के बाद गाइस आपको यहाँ कंपनी बैक आ जाना। बैक आने के बाद गाइस आपको टीम से बाहर जाना है और इसकी सॉल्यूशन को बढ़ा देना है। और ओके कर देना है। ओके ओके करने के बाद सिंपली गाइस आपको इस वाले आइकन पर मार देना है और भी उसमें क्लिक कर देना है और टूल इमेज पर जाना और इसे जोर पर मार देना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, तो जूम कर लेना है। अगर आप हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ टपके। इस तरह से गाइस अब मैं इसे गाइस कर देता हूँ यहाँ से ओके। ओके करने के बाद गाइस आपको यहाँ से बैक आ जाना है सिंपली। और बैक आने के बाद गाइस आपको फिर टूल इमेज पर मारना है और इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको टूल पर जाना और इसके सॉल्यूशन को थोड़ा और बढ़ा देना है इस तरह से। और इसे मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद सिंपली करो फिर से गाइस आपको वही करना गाइस। इसे मैं आप कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद सिंपली गाइस आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद
टूल पर आप क्लिक कर देना है और आपको माना HDR क्लिक कर देना है आपको। कर देना ओके। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ से सिलेक्ट पर क्लिक कर देना और यहाँ से आपको इस पर क्लिक कर देना चेहरे का साइज को थोड़ा छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आपको यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा देना है और यहाँ से आपको गाइस पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर शेयर करें और सबसे ज़्यादा शेयर करें। और हाँ गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब मैं इसे करता हूँ गैलरी में सेव, आपको वाला एक्सपोर्ट कर